11 एक 11 ईयर ओल्ड एक लड़की थी जो कि शुरू शुरू में अपना गेम तो ज्वाइन कर लेती है, लेकिन जैसे ही वो आगे जाती है वो देखती है कि सामने पेड़ में वुड पहले से ही कटा है, लेकिन वो छोटी थी तो वो इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करती। लेकिन जैसे ही वो अपने लिए बेसिक टूल बनाती है और सामने की तरफ देखती है, वैसे ही उसे रियलाइज्ड होता है कि सामने कुछ ना कुछ रखा है और वो उसके पास कूद कर जाती है। एंड जैसे ही वो उसे देख रही होती है उसे समझ आता है ये कब्र है, और जैसे ही वो अपने हाथ में कंपास को लेती है वो अचानक पहुंच जाती है एक ऐसी दुनिया में जहां पर वो एक छोटी सी बच्ची थी, और वो उसी पल बिस्तर के नीचे उतरती है। एंड बाहर की तरफ जाकर जब देखती है तब उसे पता चलता है कि वो एक ऐसी दुनिया में आ चुकी है जहां पर उसकी एक मॉम भी है, लेकिन जो 11 थी उसकी रियल लाइफ में कोई भी मॉम नहीं थी। इस वजह से वो काफ़ी एक्साइटेड होकर अपने मॉम के पास जाती है उस सपने के अंदर, और उसकी मॉम आज उसे घुमाने ले जाने वाली थी। तब उसे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसकी लाइफ में उसे ऐसा कभी भी फील ही ना हुआ हो, और जिसके बाद वो और उसकी मॉम इतने सुहाने दिन में चले जाते हैं बोट राइड के लिए और मस्ती करने के लिए एंड फिश भी पकड़ने के लिए, जिसके बाद उसकी मॉम उससे बातें करके उसे फिशिंग रॉड दे देती है। एंड जिसके बाद वो दोनों के दोनों फिश पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, और जैसे ही 11 अपनी फिश के लिए फिशिंग रॉड पानी में डाल देती है वैसे ही उसकी मॉम उसे देखकर मुस्कुराती है। एंड थोड़ी देर बाद शाम भी हो जाती है, लेकिन 11 के पास अचानक एक मछली आती है एंड जिसे 11 एक बार में जैसे ही 11 अपने हाथों में मछली पकड़ती है वैसे ही वो देखती है कि उसके हाथ में एक मछली आ चुकी है। एंड उसकी मॉम उसे देखकर क्लैप कर रही थी और उसे ये चीज़ देखकर खुशी हो ही रही होती है, और उसका ध्यान बटता है और वो मछली वापस से पानी के अंदर चली जाती है, जिसके बाद उसे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है और 11 ये चीज़ देखकर उसे एक कुकी देती है, जिसके बाद वो उस कुकी को खा लेती है एंड काफ़ी खुश होती है कि मॉम ऐसी होती हैं, क्योंकि उसको बचपन से भी कोई मॉम मिली नहीं थी। लेकिन उसकी मॉम को पता चलता है कि अभी बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इसलिए वो लोग जल्दी से घर जाने की तो कोशिश कर रहे होते हैं। उसी टाइम उनके बोट से एक शवल नीचे गिर जाती है, जिसके बाद उनकी बोट पलट जाती है और वो लोग समुद्र के साथ। 11 घबरा जाती है इतने बड़े तूफान में, लेकिन 11 जब अपनी मॉम को देखती है तो अपने मॉम के पास जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन 11 के सर के ऊपर अचानक से एक बड़ी सी लहर आती है एंड 11 को अंदर समा ले जाती है। फिर 11 अपने आप को पाती है और महसूस करती है वो किसी ऐसी जगह पर पहुंच गई है जहां पर चारों तरफ रेती रेत है और कुछ भी नहीं। वो पहुंच चुकी थी एक टापू। से बजट हर बजट के सामान के लिए Amazon चेक कर लेना। डाउनलोड नाउ। एक टापू पर, और जिसके बाद उसे याद आता है कि उसकी एक मॉम भी थी जो कि उसी के साथ थी, और वो अपनी मॉम को ढूंढने के लिए पीछे जैसे ही देखती है वैसे ही वो घबरा जाती है और अपनी मॉम के पास जल्दी से जाती है और अपने मॉम की गले लग जाती है अपने मॉम को देखते ही, क्योंकि वो पल ही इतना खतरनाक था जिससे कि उन लोग की डेथ हो जाती। पर उनका लक इतना अच्छा था कि वो इस टापू पर आ चुके थे एंड अब उसकी मॉम उनके खाने पीने का इंतज़ाम कर रही थी। उस छोटे 11 को भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन उसकी मॉम के पास कुछ भी खिलाने के लिए नहीं था, इस वजह से वो 11 को अपने गोद पर सुला लेती है। और उसी टाइम आग बुझने लगती है, वहाँ काफ़ी रात हो जाती है और जिसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। और जैसे ही सुबह होती है एलेक्स ही वहाँ पर आँख खुल जाती है, और वो जैसे ही सामने की तरफ देखती है उसे पता चलता है कि उसका बेटा इतनी कड़कती हुई धूप में उसके लिए फिशिंग कर रहा है, और ये चीज़ देखकर वो उसके पास जाती है। एंड उसके पास जाने के बाद वो पाती है कि वो काफ़ी देर से यहाँ पर फिशिंग कर रहा था, और उसी टाइम उसकी फिशिंग रॉड भी वहाँ से गायब हो जाती है। और ये चीज़ देखकर उसकी मॉम घबरा जाती है, क्योंकि उस टापू में उनको ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना होना पड़ता था, क्योंकि अगर वो वहाँ ठीक तरीके से खाना ना खाते तो उन लोग की जान भी जा सकती थी। इस वजह से एलेक्स फैसला करती है चाहे जो भी हो जाए वो कुछ ना कुछ करेगी, और वहाँ पर एक पेड़ था तो वो उसे माइन करना चालू कर देती है, और एक के बाद एक
उसे वहाँ पर स्लैब मिलने लगता है और ये चीज इलेवन देखकर बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और देखता है कि उसकी मॉम उसके लिए एक बोट बना दी है जिससे कि वो वहाँ से चला जाए और उसकी जान बच जाए, क्योंकि अगर वो इस टापू में रहा तो वो मर जाएगा। और इलेवन को पता चल जाता है कि उसकी मॉम उसे इसलिए भेज रही है क्योंकि उसकी जान बच जाए, और उसकी रियल लाइफ में कोई मॉम नहीं थी, इसलिए उसको अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार था। और वो अपनी मॉम को कहता है वो वहाँ से नहीं जाएगा, लेकिन उसे उसकी मॉम एक ऐसा कंपास देती है जो कि वो कितना भी दूर रहे उसकी मॉम के पास वो कंपास उसे कैसे भी ले आ लेता। इसके बाद वो कंपास एक्टिवेट करता है और वो कंपास जब तक उसकी मॉम की जान रहेगी तब तक वो कंपास उसके मॉम की लोकेशन बताते रहेगी। एंड जिसके बाद इलेवन को आखिरी बार उसकी मॉम गले लगाती है एंड उसके बोट से उसे जाने के लिए कह देती है, जिसके बाद इलेवन बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, लेकिन उसे वहाँ से जाना पड़ जाता है। और यहाँ पर दिन से रात होने को आने वाली होती है और उसी टाइम इलेवन बीच समंदर में आ चुका था एंड वो भी अपने मन में सोच रहा था मैं कैसे इस सपने से बाहर निकलूं। और जिसके बाद वो सोचते सोचते वो सो जाता है एंड वो अचानक से एक बड़ी सी बोट में आकर टकरा जाता है, जिसके बाद उस बोट का ओनर जैसे ही नीचे देखता है वो पाता है इलेवन बेहोश हो चुका है और वो मरने ही वाला है। और जिसके बाद वो अपने एक विलेजर को बुला लेता है एंड विलेजर को आदेश देता है जाओ तुम इसे जल्दी से ऊपर लेकर आओ, जिसके बाद वो विलेजर उसे अपनी बोट पर लाता है। और जिसके बाद वो लोग उसको देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि वो बेहोश हो चुका था और उसकी सांसें बहुत ज़्यादा धीरे चल रही थी, जिसके बाद वो लोग अपनी बोट को फुल रफ्तार में कर लेते हैं एंड वहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं। और उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी कि वो कुछ ही घंटों में डायरेक्ट पहुँच जाते हैं अपने विलेज, और वो विलेज के लिए इतनी तेज़ी से निकले हुए थे कि उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला था। और देखते ही देखते थोड़ी देर बाद उनकी नाव आकर रुकती है उनके विलेज में, जिसके बाद वहाँ पर वो लोग उतर जाते हैं और जल्दी से जल्दी उस बच्चे को लेकर भागते हैं उनके विलेज के सबसे बड़ी हॉस्पिटल में, जहाँ पर उसे हॉस्पिटल में वो किंग ले जा रहा था एंड वो किंग उसे हॉस्पिटल में अंदर एडमिट कर देता है, जिसके बाद एडमिट होने के बाद उस बच्चे की ट्रीटमेंट होती है एंड वहाँ के डॉक्टर्स उसे अचानक जैसे ही एक पोशन पिलाते हैं उसकी नींद अचानक से खुलने लगती है और वो वापस से ठीक हो जाता है। और उसे याद आता है कि उसकी मॉम जो थी वो अभी भी जिंदा है उसी टापू में, जिसके बाद वो अपनी मॉम को बचाने के लिए फौरन वहाँ से निकल जाता है। इलेवन इतनी ज़ोरों से भागता है कि उसकी आँख फट जाती है, हाथ से पसीने निकलने लगते हैं और पैर घिसने लगते हैं, जिसके बाद वहाँ पे ट्रेवर जो होता है, ट्रेवर मतलब उस चिप का मालिक, वो अचानक से देखता है वो लेकर बोट भाग रहा था इलेवन, लेकिन उसके भागने से पहले ट्रेवर उसे पकड़ कर पूछता है आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, जिसके बाद इलेवन बताता है कि वो इस कंपास को दिखाने के बाद उसकी मॉम वहाँ पर रहती है एंड उसे जाना है अपनी मॉम को बचाने। और ट्रेवर इतना सुनते ही काफ़ी ज़्यादा सोचने लगता है एंड बोलता है अगर हम अपनी शिप से जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी पहुँचेंगे, और अगर हम उससे जाते हैं तो तुम्हारी मॉम के लिए अच्छी खासी स्पेस भी होगी, जिसके बाद इलेवन देखकर उसे सलाम करता है एंड खुश होता है। लेकिन इलेवन के मन में अभी भी था उसकी मॉम कहीं मर ना जाए, लेकिन वो कंपास देखकर सेटिस्फाई कर रहा था खुद को, क्योंकि अगर कंपास बंद हो गया तो उसके मॉम की धड़कनें बंद हो जाएंगी, और वो यही सोचकर बार बार कंपास में देखे जा रहा था। लेकिन जैसे ही शाम होती है वो कंपास बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चलने लगता है और इससे ये समझ आ रहा था कि उसकी मॉम की जान खतरे में है, जिसके बाद वो सामने की तरफ उसी टापू में देखता है। और उसी टापू में क्या दिखता है, जैसे ही बोट आगे जाती है वो फौरन ही वहाँ से उतरने की तैयारी करता है और एक जंप में उस टापू में पहुँच जाता है और अपनी मॉम को देखता है, उसकी मॉम वहाँ पर बेहोश है और उसकी मॉम की वहाँ पर डेथ होने वाली है, लेकिन ट्रेवर उसी टाइम उसकी मॉम को देखता है एंड वहाँ से फौरन उसकी मॉम को वो उठा लेता है एंड उठाने के बाद
ट्रेवर, और ट्रेवर के साथी विलेजर वहां पर आते हैं और उसकी मॉम को उठाकर ले जाने लगते हैं अपने ही उस बोट में जिसमें उसकी मॉम को ले जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। एंड शायद से उसकी मॉम की जान ना बचे या फिर बचे, वो तो वक्त ही बताने वाला था। जिसके बाद वो फौरन ही चले जाते हैं और रात हो जाती है और दूसरा दिन चालू हो जाता है। और आज पूरी रात उसकी मॉम परेशानियों से जूझ रही थी, लेकिन फाइनली उसकी मॉम को हॉस्पिटल में ला दिया गया था और उसकी मॉम की सांसें अभी भी कुछ परसेंट चली रही थी। देन डॉक्टर अपना लास्ट ट्रीटमेंट करते हैं और फाइनली उसकी मॉम अचानक से उठ जाती है एंड ये चमक उसकी आंखों में आ जाती है 11 की। लेकिन उसी टाइम उसके मॉम की आंखें बंद हो जाती है और 11 अंदर ही अंदर से पूरा टूट जाता है एंड उसकी दिल की सांसें बंद होने लगती हैं एंड वो डॉक्टर मायूस हो जाता है और वो कंपास भी बंद हो जाता है और जिसके बाद उसकी मॉम की डेथ ऑन द स्पॉट हो जाती है वहाँ पर। और जिसके बाद उन लोगों को ना चाहते हुए भी अपने मॉम की कब्र बनानी पड़ती है और 11 जिसे उसकी रियल लाइफ में भी मॉम नहीं मिली थी उसकी गेम में भी मॉम मर चुकी है और उसे और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और अचानक वो कंपास दूसरी तरफ जाने लगता है और पता चलता है उसके अलावा भी उसका इस दुनिया में कोई ना कोई है लेकिन उसकी मॉम। गाइस तुम लोग अगर